हेलो एंड वेलकम ऑल. हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स. नमस्ते सुलेखा मैम एंड हेलो टू आवर ब्यूटीफुल आर्टिस्ट टुडे प्रीता महापात्रा एंड ऐश्वर्या. वी वेलकम यू ऑल टू आवर एनसीपीए विस्तार सीरीज. हमारे साथ आज दो ही बहुत ही बढ़िया एंड बहुत सुंदर डांसर्स है जो हमको चीजें सिखाएंगे भी, आपके साथ बातें भी करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा. तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी वेरी अटेंटिव एंड आपका माइक म्यूट पे रखिएगा, वीडियोस चालू रखिएगा सो दैट आर्टिस्ट हमारे जो दोनों दीदियां हैं तो वो आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए. थैंक यू. ओवर टू यू ऐश्वर्या एंड प्रतीशा. थैंक यू. हमें बहुत खुशी है कि आज हम इतने सारे बच्चों से या फिर सबसे मिल पाएंगे, उनके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर पाएंगे, उन्हें बता पाएंगे कि मतलब इतनी साल की जो हमारी जर्नी थी वो कैसी थी, कैसे हो सकती है, या फिर आप लोग उसे कैसे परस्यू कर सकते हैं आपके नियर फ्यूचर में. सो मेरा नाम है ऐश्वर्या, ऐश्वर्या सिंह देव. मैं भुवनेश्वर से ही हूँ, ओडिशा से. मैं यहाँ पे सृजन पे लास्ट 20 ईयर्स से डांस सीख रही हूँ. व्हेन आई वाज लिटिल तो तब से लेके आज तक मैं यही गुरुजी की ही छत्र छाया में मैंने अपना नृत्य का शिक्षण लिया. जो भी सीखा गुरुजी से सीखा, उनके बाद उनके बेटे और उनकी पुत्र वधु जो है हमारे नेक्स्ट गुरुजी गुरु रतिकांत महापात्र एंड श्रीमती सुजाता महापात्र, उनके गाइडेंस के अंडर मैंने अपना क्लास अपनी जर्नी शुरू की. एंड नाउ आई एम नॉट वेल नोन बट स्टिल आई एम अ लिटिल डांसर. मैं हम लोग बहुत जगह पे परफॉर्म कर चुके हैं, नेशनल इंटरनेशनल, और आगे भी करने की अपेक्षा रखते हैं. मतलब लाइक ठीक है, अभी जर्नी की शुरुआत हुई है, इट विल गो बियॉन्ड. अगर गुरुजी का आशीर्वाद रहा तो उनके नाम पे जो उन्होंने हमें सिखाया है तो उसको अगर हम आप लोगों तक पहुंचा पाए उसी तरह से, तो शायद ये हमारी तरफ से उनके लिए गुरु दक्षिणा होगी. तो नाउ मेरे बाद लेट मी इंट्रोड्यूस टू हर. ओके नाउ सो आई एम गिविंग हर दिस वन. टीचर आवाज नहीं आ रही. कि मैं मामा को फोन कर लूं. फोन थोड़ा स्विच दब जाए. जी मामा से हेडफोन वाले तले स्विच थी वाले सेटा वाले पुश हो जाए सेटा को. ओके हेलो गुड सेकंड. We are able to hear you now. Yeah, now yes? Okay. Take your phone card. Hello. Namaste, everyone. Hello. I am... Namaste, teacher. Namaste. I am Pritisha Mahapatra. And मैं भी सृजन ऐश्वर्या दीदी के तरह सृजन में ही मैंने डांस सीखा है और मुझे भी आई थिंक 17-18 ईयर्स हो गया है डांस सीखते हुए. और मैं बड़े प्रिविलेज के साथ बोल सकती हूँ कि ओडिसी नृत्य को जिन्होंने शुरू किया था, जिनके वजह से आज ओडिसी नृत्य नमस्ते और ओडिसी नृत्य जिसके वजह से आज वर्ल्ड वाइड फेमस है, मैं उनके फैमिली से बिलोंग करती हूँ. मैं गुरु रतिकांत महापात्र और गुरु सुजाता महापात्र जी की बेटी हूँ और आज मैं अपने आर्ट फॉर्म को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आई फील लकी एंड आई होप आपको मैं कुछ कुछ चीजें समझा पाऊं. सो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर टुडेज थोड़ा सा ऑफ इंट्रोडक्शन टू ओडिसी डांस एंड इंटरेक्शन विद अस? यस या ओके सॉरी फॉर द नेटवर्क थिंग. आई थिंक हम लोगों का थोड़ा लेट आप तक पहुंच रहा है या थोड़ा, बट थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं. ओके
Yeah. Okay. So, just before we start about Odissi dance from our side, I would just like to know a little bit from you guys that आपको इंडियन क्लासिकल डांस या फिर कुछ भी डांस का मतलब आपको क्या लगता है? What do you feel? मुझे कोई भी any small definition अगर आप दे सकते हैं, anything. Hello. Yes, ma'am. सुनाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes. जी मैंने अभी पूछा कि आप मुझे बिफोर स्टार्टिंग इनटू द डिटेल्स मैं जस्ट आपको थोड़ा बहुत पूछना चाहती हूँ आपके हिसाब से डांस का मतलब क्या है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम डांस आपको क्या पता है डांस के बारे में जो भी एनी डेफिनेशन इज फाइन इट डजंट नीड टू बी बुकिश एनीथिंग जिसे करने से हमें खुशी मिल जाए अच्छा जिसे करने में हमें खुशी मिल जाए ओके खुशी तो हमें खाना खाने में भी होता है लेकिन खाना खाने को तो डांस नहीं कह सकते है ना कुछ एक ऐसा डांस करते तो क्या 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 जब डांस करते तो बहुत ज्यादा फील होता है एक मिनट टीचर जब हम लोग डांस करते हैं तो अच्छा लगता है हेलो यस मैम हाँ बोलिए हम लोग जब टीचर जब करते अच्छा लगता है दूसरों को भी अच्छा लगता है और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है दूसरों को भी अच्छा लगता है और हम लोगों को भी अच्छा लगता है अच्छा लेकिन मतलब डांस में हाथ पैर का मूवमेंट नहीं होता या होता है टीचर हाथ पैर होता है हाथ पैर का मूवमेंट होता है ओके तो ठीक है वो तो डांस का हमने देख लिया ठीक है हाथ पैर का मूवमेंट होता है अच्छा लगता है करते हुए अभी क्लासिकल डांस क्या है कथक एक फिर नेक्स्ट बताइए भरतनाट्यम फिर लोक नृत्य डांस वो डांस क्लासिकल डांस आज आप क्या करने वाले हैं आज आप किसके बारे में जानोगे थोड़ा बहुत ओडिसी आज ओडिसी करेंगे हम लोग है ना ओडिसी भी एक क्लासिकल डांस है ओके और क्या डांस और एक नाम नृत्य फोक डांस नहीं मैंने पूछा कि आप क्लासिकल डांस में जैसे आपने बोला भरतनाट्यम कथक ओडिसी और क्या है नृत्य इज डांस इन जनरल लेकिन आपने जैसे ओडिसी एक फॉर्म है भरतनाट्यम एक फॉर्म है अच्छा ओके ठीक है ये तीन ठीक है लेकिन आप सब इंडिया से हो और आपको ये जानना चाहिए कि भारत में 8 मुख्य क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं कितने हैं 8 पहले भरतनाट्यम सही है याद रखिएगा मैं 8 बोलने के बाद एक और बार आप मुझे रिपीट करके बताएंगे ठीक है तो भरतनाट्यम कथक ओडिसी कुचिपुड़ी कथकली मोहिनीअट्टम मणिपुरी क्षत्रिय एक और बार रिपीट करती हूँ भरतनाट्यम कथक ओडिसी कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम कथकली मणिपुरी क्षत्रिय 8 क्लासिकल डांसेस याद रहा कोई मुझे बता सकता है क्या है 8 क्लासिकल डांसेस जस्ट नाम मुझे बताइए कथक यस ओडिसी
यस नृत्यकली नृत्यकली नहीं कथकली मणिपुरी 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 भरतनाट्यम भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कुचिपुड़ी ओके मोहिनीअट्टम मोहिनीअट्टम यस मोहिनीअट्टम क्षत्रिय क्षत्रिय यस कथक कथक इनमें से दो तीन आपने दोबारा दोबारा रिपीट किया और मैंने काउंट भी कर लिया. अच्छा ओके तो आप हमेशा ये भूल जा रहे हो कि आज हम जो करने वाले हैं वो है ओडिसी और आप ओडिसी को ही स्किप कर रहे हो. ठीक है चलिए तो 8 क्लासिकल डांसेस है ये आपको याद रखना ही रखना है क्योंकि आप भारत देश से बिलोंग करते हैं और भारत की आइडेंटिटी उसकी पहचान उसकी कल्चर है जो भारत को बाकी अन्य देशों से अलग रखता है वो है उसके कल्चरल हेरिटेज. ठीक है और क्लासिकल डांसेस इज वन ऑफ द कल्चरल हेरिटेजेस ऑफ आर कंट्री. तो हमारे कंट्री में अगर कोई आपको पूछे हमारे कंट्री में कितने क्लासिकल डांसेस है क्या बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? यस करेक्ट. ठीक है चलिए तो विदाउट एनी डिले हम लोग दोनों आज हम लोग आपको इन्हीं 8 में से एक नृत्य ओडिसी डांस के बारे में कुछ कुछ बताएंगे और हम आपके साथ वो करने की भी कोशिश करेंगे. दिस इज वी विल ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग एंड वी विल ट्राई टू मेक इट लिटिल रिलेटेबल टू आर डेली लाइफ एंड आर सराउंडिंग हम जो देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कैसा लगता है कैसा इंट्रोडक्शन होता है. तो थोड़ा सा ओडिसी डांस के बारे में मैं आपको बताऊंगी और ऐश्वर्या दीदी उसके बाद उसको फॉलो अप करेंगी. तो ओडिसी डांस प्रोसीड करें इतना तक सबको क्लियर है? सब मुझे ऐसे थम्स अप दिखाओगे तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है. ओके यस ओके तो ओडिसी डांस जो है वो भारत के इंडिया के ईस्टर्न जोन अर्थात पूर्व नीचे ईस्ट कोस्ट में है. ओडिशा नामक स्टेट ओडिशा इज अ स्टेट इन इंडिया विच इज इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री. वहां का डांस नृत्य है ओडिसी. हाँ इट्स अ स्टेज डांस क्लासिकल डांस. सो ओडिसी जो है उसका ओरिजिन उसका बिगिनिंग हुआ था पुरी जगन्नाथ टेम्पल में. इट हमारे यहाँ पे मुख्य देवता है भगवान नारायण लॉर्ड जगन्नाथ हम उनको बहुत मानते हैं. तो हम अपने नृत्य के माध्यम से हम अपना सारा डिवोशन अपनी भक्ति उनको समर्पण करते हैं नृत्य के भाव से. समझ रहे हैं आप क्लियर? ठीक है तो इसका ओरिजिन भक्ति भाव से हुआ है. इट इज वन ऑफ द टेम्पल डांसेस है और बहुत सालों से ये चलता आया है यहाँ की संस्कृति है ये. और ओडिसी नृत्य में 4 भंगीज हैं. भंगीज मतलब 4 वे में खड़े होना. ठीक है समझ रहे हैं भंगीज? ठीक है ऐश्वर्या दीदी आपको करके दिखाएगी. पहला भंगी है समभंग. ये पहली भंगी है समभंग. समभंग में फुल स्ट्रेट लेग्स क्रॉस्ड हाथ यहाँ पे वेस्ट पे पूरा सामने ये है समभंग. आप सब एक बार करके दिखाएंगे मुझे समभंग कैसे है? ऐश्वर्या दीदी जैसे खड़ी है एक बार आप मुझे करके दिखाएंगे समभंग? जल्दी 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 सब खड़े हो जाइए. मैं सिर्फ सरिता को देख सकती हूँ. दिव्यांशी आप खड़ी हो? मुझे दिख नहीं रहा है एक सेकेंड.
remove spotlight. Neha, Anshika, Sneha, Zinat, Ranjana and Vandana. आप सबका कैमरा ऑफ है, मैं देख नहीं पा रही हूँ. या अभी दिखाई दिया. या स्नेहा, सब लोग समभंग में खड़े हो सकते हैं जैसे ऐश्वर्या पर खड़ी है. या ठीक है. अमोदर करें. ठीक है, समभंग. उसके बाद सेकेंड भंगी है अभंग. अभंग में आपने अपना राइट डायना पैर का जो घुटना है उसको थोड़ा बेंड करना है. लेफ्ट साइड का पैर सीधा रहेगा, डायना पैर थोड़ा झुकेगा. मतलब आप एक पैर पे वेट है आपका, वैसे एक पैर बेंड है. समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? Yes, दिखाई दे रहा है. ओके, बट आपको इसके साथ करना होगा. एक बार करके दिखाइए तो हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है. ओके, चलिए अभंग. ओके, ओके, सो तीसरा है त्रिभंग. त्रिभंग है तीन भंगी. तीन भंगी का मतलब है यहां पे एक भंगी है, यहां पे एक भंगी है और यहां पे एक भंगी है. भंगी मतलब बेंड, तीन जगहों पे बेंड हुआ है. हम लोग ये बैठे हैं, ठीक है, और ऐसे बैठे हैं कि हम अगर अपना दाहिना पैर उठाते हैं तो हमारा पूरा बॉडी ऐसे ऐसे नहीं होता है, सिर्फ दाहिना पैर उठता है. सब अपना दाहिना पैर उठाइए. हाँ, तो आप जब उठा रहे हो तो आप अगर ऐसे बैठोगे तो ऐसे दिखेगा, तो उठाओगे तो ऐसे हिल जाएगा. तो आपको सीधा बैठना है और सिर्फ एक पैर उठाना है और बॉडी नहीं हिलेगा. क्या सब कर रहे हैं मेरे साथ? बहुत जनों का कैमरा ऑफ है. साक्षी, कैमरा ऑफ है आपका शायद. ठीक है, और लास्ट है चौका. चौका में इट्स अ स्क्वायर पोज. हाथ दोनों आपके साइड में रहेगा, पैर ये रहेगा. चौको में बैठेंगे सब. वेरी गुड सरिता, आपका जो भी जूम में नाम है मैं वही पढ़ रही हूँ. आई होप मैं सही पढ़ रही हूँ. ठीक है, नेहा, ओके, गुड ट्राई. किंजल करिए. ओके, ऐसे नहीं बैठना है. हाँ, यस, हाथ लेकिन खुलेगा. जिन्नत, आपका कैमरा ऑफ है, प्लीज कैमरा ऑन करिए वरना हम लोगों को डिफिकल्ट हो जाएगा देखने में. ठीक है, तो फोर पोजेस हैं. पहला है समभंग, अभंग, त्रिभंग एंड चौक. ओके, समझ में आया सबको? ऐसे थम्स अप दिखाओगे तो समझ में आएगा कि आपको समझ में आया. ठीक है, अच्छा, नेहा ने थम्स अप दिखाया, साक्षी ने भी दिखाया. ओके, अब साक्षी मुझे बताइए कि मैंने अभी क्या कहा, कितने भंगीज हैं?
त्रिभंग एक टीचर, त्रिभंग एक है, त्रिभंग एक है। क्या 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 साक्षी प्रसाद, क्या मुझे बता सकते हैं कि कितने भंगीज हैं? चार, चार भंगीज। क्या क्या चार है? हाँ, क्या क्या है? त्रभंग। क्या भंग? त्रभंग, त्रभंग नहीं त्रिभंग। वो तो टीचर तीसरा है ना? वो तो तीसरा है। हाँ, तो पहला भंग क्या है? टीचर एक भंगी, समभंग। समभंग, हाँ वो एक भंग। हाँ, तो समभंग याद रखिए, सब लोग याद रखिए, सुनिए याद रखो, समभंग अभंग त्रिभंग चौक चौक भंग नहीं चौक, ठीक है, भंग नहीं, समभंग अभंग त्रिभंग एंड चौक। ओके क्या 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 टीचर, तारों का नाम बताऊं? हाँ बताइए। समभंग अभंग त्रिभंग चौक। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, हमारी तरफ से आपके लिए क्लैप्स। ओके चलो अभी बोलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। अभंग तभंग त्रिभंग चौक। ट्राई अच्छा था लेकिन करेक्ट नहीं था। समभंग अभंग त्रिभंग चौक। मैं बोलूं? बोलिए। समभंग, हाँ समभंग, फिर त्रिभंग चौक नहीं, समभंग अभंग त्रिभंग एंड चौक। अच्छा कौन बोल रहा है, मुझे तो नाम समझ में नहीं आ रहा है। मैं बोलूं? हाँ 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 बोलिए बोलिए, एक एक करके बोलिए। समभंग अभंग त्रिभंग चौक। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ओके चलिए, अभी भंगीज के बारे में हमने थोड़ा जान लिया, ठीक है। रूपाली निर्मल ने टेक्स्ट किया सभंग अभंग त्रिभंग चौक। सभंग नहीं होगा, वो जो एच लिखा है उसके जगह एम लिखना, एम फॉर मंकी, ठीक है, वो लिखना है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा बेसिक हो गया ओडिसी के, ये है। अब ओडिसी में पांच रेपर्टोर्स, रेपर्टोर्स मतलब पांच श्रेणियां हैं जिसे हम लोग फॉलो करते हैं, प्रत्येक ओडिसी डांसर इसको फॉलो करता है, और इसके बारे में आपको ऐश्वर्या दीदी थोड़ा सा बताएंगी, उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। ये लीजिए, हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस टीचर। ओके 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 फाइन। तो जब हम लोग सीखते हैं ना, जैसे आप लोग स्टैंडर्ड वन स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड थ्री जाते हो, तो आपकी पढ़ाई उसी हिसाब से होती है। पहले आप लिस्ट, जैसे कि मैथ्स में आप पहले 1 2 3 4 पढ़ते हो, उसके बाद टेबल्स करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, डिवीजन करते हो, वो चलता है ना स्टेज बाय स्टेज। ठीक वैसे ही क्लासिकल डांस फॉर्म में भी एक सिलेबस होता है। जैसे आप पहले आए सीखे तो आपको ये चार भंगी सिखाया जाएगा, उसके बाद चौक में 10 टाइप्स के हैं, त्रिभंगी 10 टाइप्स की है। उसके बाद जब आप लोग उसमें सीख लोगे तब आप उसको आइटम में, मैं जैसे कोई एक कोरियोग्राफी हुआ कि कोई एक डांस हुआ, जैसे हम लोग आते हैं, उसके बाद आप ये सब उसमें यूज करोगे। इसके साथ साथ आपकी हस्त मुद्राएं भी हैं जिसे हम लेके हमारे डांस पे यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से जैसे प्रतीक्षा दीदी ने कहा ना भी कि हमारी 5 स्टेजेस हैं, आप अभी जब भी सीखोगे कभी भी
बड़े होकर आगे चलकर आप जब भी ओडिसी में सीखना चाहोगे तो आपको 5 स्टेजेस में वो सिखाया जाएगा। फर्स्ट स्टेज है मंगलाचरण, ठीक है। मंगलाचरण में क्या होता है कि हम डांस करने से पहले अपनी भू माता को या पृथ्वी को नमन करते हैं। अच्छा, क्यों नमन करते हैं? बस नमन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करते हैं कि हे देवी, अब हम आपके ऊपर अपने पांव से, अपने पैर से आपको आगाह देने जा रहे हैं। क्योंकि ओडिसी डांस में फुट वर्क्स बहुत होती है, आप लोगों ने देखा होगा, मोस्टली क्लासिकल डांसेस में होता है। कथक देख लीजिए, भरतनाट्यम देख लीजिए, कुचिपुड़ी देख लीजिए, जिसमें भी देख लीजिए, उसमें हम लोग पैर का बहुत इस्तेमाल करते हैं ना, लाइक 1 2 3 1 2 3 ऐसा सब करते हैं हम लोग। तो उसको करने से पहले हम भू माता से मतलब उन्हें क्षमा प्रार्थी करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं कि हम आपके ऊपर आघात करने जा रहे हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर एक डांस से पहले, एक्चुअली उसे डांस से पहले सिखाया जाता है, वो क्या है ना, भूमि प्रणाम। हम उसको नाम देते हैं भूमि प्रणाम। भूमि का मतलब है भू माता या अर्थ, प्रणाम मतलब टू बाउ डाउन। ओके, तो क्या आप लोग सब मेरे साथ करोगे भूमि प्रणाम कैसे करते हैं? तो आप सब लोग मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? चलो आप सब लोग ऐसे खड़े हो जाइए, ऐसे हाथ में आप लोग ऐसे सब लोग खड़े हो जाओ। आई वॉन्ट टू सी एवरी वन। या ओके ओके, प्रतीक्षा कैन यू जस्ट स्क्रॉल इट डाउन। हाँ देखिए, मैं सबको देखना चाहती हूँ, सब लोग। वो क्या है, जीनत, जीनत आप खड़े हो? ओके फाइन, ओके। तो ऐसे ये हुआ, पहले हम राइट पैर स्टैम्प करेंगे, 1 ओके, हाँ ऐसे स्टैम्प 1, उसके बाद राइट पैर आगे, हाथ खोलो। अच्छा ओके ओके, देन लेफ्ट पैर लाओ, प्रणाम करो। हाँ हाँ, पास में ही, पास में ही, ठीक है बिल्कुल। फिर ऐसे ओपन करो पांव, दोनों पैर को ऐसे खोलो, उसपे ऊपर ऐसे बैठो नीचे, हाँ आराम से, गुड गुड। फिर ऐसे नीचे, हाँ परफेक्ट, ठीक है। आप हाँ यहाँ पे देखो, ऐसे लगा, ऐसे हाथ को घुमाओ। फिर ऐसे लो, खड़े हो जाओ, नमस्ते। आप लोग फिर से मुझे करके दिखाओगे कितना हुआ, देखूं। क्या नाम है, सरिता, स्वात, नेहा, साक्षी, आप लोग समझे मैं क्या की, या फिर आप दोबारा करें हम लोग ये वाला, दोबारा एक बार और समझा? हाँ अब मुझे कौन करके दिखाएगा, पहले कौन करके दिखाएगा? अपना नाम बोलो, मैं उसको क्लिक करूंगी सो दैट मैं भी देख पाऊंगी। कौन करेगा सबसे पहले? पलक। पलक ओके, पलक। पलक कहाँ है, देखते हैं पलक का वीडियो। पलक आपका वीडियो ऑन है बेटा? यस टीचर। ओके पलक टीचर। पलक ओके, पलक हाँ हाँ, दिखाओ दिखाओ पलक। ओके हाँ, देन 1 ओके, 2 3 ओके, 4 गुड 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 गुड, अच्छी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन, नेक्स्ट दिव्यांशी। दिव्यांशी ओके, दिव्यांशी हाँ, दिव्यांशी दिखाओ। ये रहा 1 ओके, बेटा आपने हाथ नहीं खोला, ये 2 में, 1 2 में हाथ खोलना है, हाँ उसके बाद 3 में आके फिर बैठना है, हाँ देन उसके बाद
ओके माथे पे लगाओ, माथे पे, हाँ, फिर बैक, फिर नमस्ते, गुड, वेरी गुड, नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन, और एक, कौन, हाँ हाँ कौन, जो भी दिखाना है दिखाओ, नाम बोलो सो दैट मैं भी देख सकूँ, नेक्स्ट कौन दिखाएगा, नाम बोलो, सरिता, ओके सरिता, सरिता दिखाओ. One, okay, two, फिर three, three आगे आओ, हाँ four, very good, बैठो, five, six, good, seven, eight, क्या बात, आप लोग सच में तो सब लोग बहुत ही ब्रिलियंट हो, एक ही बार में झटके में सब याद रख लेते हो, गुड. कौन सी क्लास में हो आप सरिता? फोर्थ स्टैंडर्ड. फोर्थ स्टैंडर्ड, ओके. दिव्यांशी आप किस स्टैंडर्ड पे हो? फोर्थ. मैं फोर्थ क्लास में. ओके सर, अच्छा अच्छा, तुम दोनों फ्रेंड्स हो, क्लासमेट्स. अच्छा ठीक है. नो नो, ओके ओके फाइन. तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हमारे पांच सेक्शंस की, राइट? तो उसमें पहला आता है मंगलाचरण, जिसपे हम लोग मतलब भू देवी के बाद भगवान जी को या फिर जगन्नाथ जी को अपना पुष्प अर्पित करते हैं, कि उनसे आज्ञा लेते हैं कि हम इसके बाद से अपना नृत्य शुरू करेंगे. ठीक है, मंगलाचरण मतलब मंगला आरती, हम भी इसको भी बोल सकते हैं. जैसे आप लोग देखते हो ना, संध्या आरती होता है जैसे गंगा घाट पे, सुबह सुबह मंगल आरती होता है भगवान जी के पास से, दिन जब शुरू होता है उसी तरह से डांस शुरू होने से पहले हम लोग मंगलाचरण करते हैं. फिर आता है बट्टू, और जिसको स्थाई के रूप में भी हम लोग जानते, क्योंकि उसमें आपको फुटवर्क्स के ऊपर, पद चालना के ऊपर आपको वहां पे नृत्य दिखाना पड़ता है कि आप लोग कितना फुटवर्क कर सकते हो. उसमें उसमें बेसिकली फुटवर्क के ऊपर ही काम होता है. थर्ड होता है पल्लवी. पल्लवी भी एक प्योर फॉर्म ऑफ डांस है, पर उसमें आपको थोड़ा लाश्य मिलेगा, थोड़ी अभिनय शैली थोड़ी थोड़ी देखने को उसमें मिलेगी. ठीक है, फोर्थ होता है अभिनय. जी 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 बोलो. मुझे कथक आता है. आपको कथक आता है? अरे क्या बात है, तो कथक में तो आप तो फुट स्टेप्स में माहिर होंगे तब. यस, क्या क्या फुटवर्क सीखा है आपने? ओके ओके परफेक्ट, क्या बात है, क्या बात. और किसी ने कुछ दूसरा कोई डांस फॉर्म का कुछ नॉलेज है किसी को, किसने कुछ सीखा है? ओके ठीक है, तो ये हुआ फोर्थ, हुआ अभिनय, लास्ट हुआ मोक्ष. ठीक है, ये फाइव, ये ओडिसी डांस के फाइव फॉर्म्स हैं जो आप धीरे धीरे जब बड़े होगे तब उस पे आप सीखोगे. सॉरी. इसके बाद मैं प्रतीक्षा दीदी से बोल Excuse me. प्रतीक्षा दीदी से बोलूंगी कि वो बाकी की बातें आपसे करें. हेलो, ऑडिबल सुनाई दे रहा है? यस टीचर. यस ठीक है, यहाँ तक इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा बहुत? इंटरेस्टिंग लग रहा है. अच्छा, अभी थोड़ा हम लोग थोड़ा धीरे धीरे करके ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट को जाएंगे, जहाँ पे हम लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे. लेकिन बिफोर एंजॉय करने के लिए हम थोड़ा अभी एक लास्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जानेंगे. ओडिसी डांस, तो डांस तो सिर्फ जानने से नहीं होगा, किसी ने किया होगा तभी तो पता है कि डांस ऐसे होता है कि नहीं? किसी ने किसी ने किया होगा, तो ओडिसी डांस को जिसने किया है और हर जगह प्रचलित किया है, ठीक है, तो उनका नाम है गुरु
केलुचरण मोहापात्र जी, क्या है? सब लोग ये नाम रट लेना, याद रख लेना, पूरा घोल के पी लेना। ओडिसी नृत्य का नाम आता है, इसका मतलब है गुरु केलुचरण मोहापात्र जी का नाम आता ही आता है। ठीक है, तो क्या है गुरु केलुचरण मोहापात्र? सब बोलिए मेरे साथ एक बार, गुरु केलुचरण महापात्र। Yes. गुरु केलुचरण महापात्र। गुरु केलुचरण महापाद्य। महापाद्य नहीं, महापात्र। ठीक है, आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको बाकी डिटेल्स भी मिलेंगी। लेकिन क्या आपको पता है भारत में प्रेसिडेंट से अवार्ड्स मिलते हैं जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं अपने अपने फील्ड में, नृत्य हुआ या स्पोर्ट्स हुआ, सबको अवार्ड्स मिलते हैं ना, सिविलियन अवार्ड्स मिलते हैं। क्या मुझे कोई बता सकता है एक सिविलियन अवार्ड का नाम? जीके, जीके में पढ़ा होगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न अवार्ड्स, ये सब सुना है? यस टीचर। यस टीचर, मैंने गोल्ड मेडल ट्रॉफी। नहीं, भारत में याद रखना, भारत में ये सारी अवार्ड्स पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न अवार्ड सुना है मैंने, सुना है ना, ये सारे जो अवार्ड है ना वो प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट से मिलते हैं और वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, बहुत प्रेस्टीजियस अवार्ड्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को मिलते हैं उनके पर्टिकुलर फील्ड में। तो ओडिसी नृत्य में ओडिशा से जो सबसे पहले पद्म विभूषण अवार्ड पाए हैं उनका नाम है गुरु केलुचरण महापात्र। ठीक है, ये याद रखना। उनको क्या मिला था? उनको पद्मश्री भी मिला था, उनको संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिला था, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल का, उनको पद्म विभूषण भी मिला था प्रेसिडेंट से। ठीक है, और यदि आज ओडिसी नृत्य आज आठों क्लासिकल डांसेस के अंदर गिना जाता है, उसका श्रेय केवल और केवल गुरु केलुचरण मोहापात्र जी को मिलता है, और ओडिसी फील्ड में हम उनको अपना भगवान मानते हैं, भगवान के साथ ही उनका नाम लेते हैं। सो ये आप लोगों का जानना बहुत जरूरी था, तो जब नेक्स्ट टाइम आपको कोई ओडिसी के बारे में पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन, किसने, किसके वजह से आज हम लोग जानते हैं उस चीज के बारे में। और ये एक नाम याद रहा, गुरु केलुचरण महापात्र, ये याद रहा सबको। दूसरा नाम, दूसरा नाम श्रीमती, श्रीमती संयुक्ता पाणिग्राही, श्रीमती श्रीमती संयुक्ता पाणिग्राही, श्रीमती या श्रीमती संयुक्ता पाणिग्राही, ये हैं गुरु केलुचरण महापात्र जी के स्टूडेंट, और इन्होंने ओडिसी नृत्य के प्रचलन में पूरे भारतवर्ष और विदेश में भी ओडिसी नृत्य को अगर सबके सामने लाया है ज्यादा, तो वो यही है, इनके, गुरु केलुचरण महापात्र जी और गुरु श्रीमती संयुक्ता पाणिग्राही, इनके कारण ही आज ओडिसी नृत्य को शास्त्रीय घोषित किया गया है, इनके योगदान के कारण, सबसे अधिक इन्हीं का है। ठीक है, तो ये दो नाम सबसे ऊपर आता है। अब गुरु केलुचरण महापात्र जी के बाद, अब ये तो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री सब लोग हिस्ट्री के बारे में बात करते, लेकिन आपको जानना है करंट अफेयर, अभी करेंटली क्या हो रहा है। आपको याद रखना है कि अभी गुरु केलुचरण महापात्र जी के बाद उनके बेटे, जैसे राजा, राजा के बेटे वो राजा बनते हैं, है ना, राजा, राजा के बेटे, फिर उनके बेटे, उनकी बेटी, प्रिंसेस, क्वीन एंड ऑल ऑफ दीज, इट्स अ लेगेसी। उसी के तरह यहाँ पे भी गुरु केलुचरण महापात्र अगर राजा थे तो उनके पुत्र भावी राजा हुए, है ना। तो अभी जो है
वो उनका नाम है गुरु रतिकांत महापात्र, वो है गुरु केलुचरण महापात्र जी के बेटे, ठीक है, और जो अभी नंबर वन पे है उनके बाद, जो हमारे गुरु हैं, ठीक है। और आप लोगों को उनकी फैमिली को याद रखना है, क्योंकि जहां से आरंभ हुआ है, हमें भारत में सिखाया जाता है कि हमें अपना रूट्स कभी नहीं भूलना चाहिए, तो यही लोग हमारे रूट्स हैं और इनको हम चाहकर भी नहीं भुला सकते, ठीक है। तो गुरु रतिकांत महापात्र और उनकी पत्नी अर्थात रानी सुजाता महापात्र, श्रीमती सुजाता महापात्र, ठीक है। तो कौन कौन हुए, गुरु केलुचरण महापात्र, उनके बेटे गुरु रतिकांत महापात्र और उनकी पुत्र वधु गुरु सुजाता महापात्र, ठीक है। और सबसे पहले ओडिसी नृत्य को जो लड़की, जो फीमेल ने परफॉर्म किया था ऑन स्टेज, वो है गुरु केलुचरण महापात्र की बीवी अर्थात गुरु रतिकांत महापात्र मम्मी, हाँ गुरु रतिकांत महापात्र की मम्मी, ठीक है। तो उनका नाम है गुरु श्रीमती लक्ष्मी प्रिया महापात्र, ठीक है। अच्छा अब बहुत हो गया हिस्ट्री, हाँ करंट अफेयर्स भी बहुत हो गया, अभी इस चैप्टर को थोड़ा स्किप करके अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा मस्त ओडिसी में ही हम लोग थोड़ा दिखाएंगे एनिमल्स को, ठीक है। आप सब भी करोगे साथ में, ठीक है, ओके। चलो तो अभी सबसे पहले जैसे कि पॉड दब, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे गतिज है, गति मतलब चाल ढाल। तो सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे हंसी गति। हंसी गति का मतलब क्या है, हंस मतलब समझ में आ रहा है सबको, हंस मतलब स्वान, ठीक है। स्वान कैसे चलता है हम वो एक बार थोड़ा करके दिखाएंगे, ठीक है। सब लोग एक साथ मेरे साथ करना, ठीक है, हंसी गति। जब जब एक स्वान पानी में चलता है, उसका पीछे उसका हिप वाला पोर्शन ऐसे ऐसे हिलता है, कभी देखा है, कभी देखा है? सबका कैमरा ऑफ हो गया है, हेलो, यस टीचर, सुनाई दे रहा है सबको, हाँ यस। तो आप थोड़ा, आप अगर रिप्लाई नहीं करोगे मेरे को तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ठीक है। आपने आपने हंस को देखा है कभी पानी में चलते हुए? अच्छा आप किसी का माइक अनम्यूट है, कोई घर पे बात कर रहा है, यहाँ पे सब सुनाई दे रहा है, ठीक है। बोर नहीं लग रहा है किसी को, राइट? यस टीचर। बोर लग रहा है? नो टीचर। नो ना, नहीं लग रहा है ना बोर, तो थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओ, मुझे तो दिख नहीं रहा है, सब ऐसे सूख गए हैं, मतलब जैसे कुछ खाना नहीं मिल रहा है। जिनत घर पे खाना नहीं दिया है, इतना सैड ऐसे, हाँ ऐसे सर दर्द कर रहा है ऐसे सब थोड़ा। अभी एनिमल्स कैसे चलते हैं वो तो देखेंगे ना ओडिसी में। तो सबसे पहले स्वान, स्वान कैसे चलता है, कोई मुझे बता सकता है स्वान कैसे चलता है? उसका ये हिप पोस्चर थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता है ना पानी में? यस टीचर, हिलता है ना। तो ओडिसी में स्वान, स्वान का ऐसे होता है,
ठीक है, सब उठ के मेरे साथ ये करिए, चलिए चलिए, 1 2 3 स्टार्ट. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. ये एक स्वान है, ठीक है, इसको कहते हैं हंसी गति. क्या कहते हैं? हंसी गति. दूसरा है, दूसरा है मयूरी गति. मयूरी का मतलब क्या है इंग्लिश में, क्या बोलते? मोर. यस, मोर में पीकॉक. पीकॉक, यस. हाथ ये रखेंगे हम ऐसे, अपना रिंग फिंगर, रिंग फिंगर और थंब को जोड़ेंगे ऐसे, रिंग फिंगर और थंब को जोड़ेंगे, हाथ ऐसे करेंगे. अब राइट पैर उठाया, पीछे ऐसे, आगे. ये जो है ना, ये मोर का जो बारिश होता है तो वो नाचने लगता है, उसका ऐसा पूरा खुलता है ग्रीन पंख, ठीक है. तो मयूरी गति, राइट लेफ्ट. करिए मेरे साथ सब लोग, चलिए उठिए उठिए उठिए, 1 2 3 चलो. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. अब थोड़ा जल्दी करेंगे, 1 2 3 स्टार्ट. राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट. ठीक है, तो क्या क्या हुआ? हंसी गति, ये हुआ मयूरी गति, मयूरी गति. इंटरेस्टिंग लग रहा है, अच्छा लग रहा है? यस यस टीचर, यस टीचर. ओके जोश, हाउ इज द जोश? हाय सर. ठीक है, उसके बाद उसके बाद है मृगी गति. मृगी का मतलब क्या है? मुर्गी. मुर्गी नहीं, मृगी का मतलब मुर्गी नहीं, मृगी का मतलब. कोई किसी का अनम्यूट है, कोई घर पे बात कर रहा है, अनम्यूट है किसी का? ओके, मृगी गति का अर्थ है डियर. मृग डियर जंप करता है. डियर समझ में आ रहा है सबको? कंगारू. ठीक, कंगारू नहीं, हिरन को टीचर. हिरन, हिरन, हिरन को मृग, मृग भी बोलते हैं, तो उसको मृगी गति. अभी हाथ हम ऐसे रखेंगे, ठीक है, रिंग फिंगर ऐसे बेंड कर देंगे, ठीक है. अब हिरन कैसे चलता है? हिरन कूदता रहता है ना. सब मेरे साथ करेंगे, पहले हम लोग राइट कॉर्नर को जाएंगे. चलो 1 2 3 गो. फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर लेफ्ट. अभी थोड़ा जल्दी कैसे होगा? जल्दी जल्दी मृग भागेगा तो कैसे होगा? देखे जंगल में कैसे भागते सब करके. जिन्नत डू विथ मी, सब लोग करे, सब लोग करे. yeah. कैसे, कैसे 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 कैसे? चलिए 1 2 3 स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये था, ये है मृगी गति. तो क्या क्या हुआ? हंसी गति, मयूरी गति, मृगी गति. अब करेंगे गजलीला गति. गजलीला, हाँ, गजलीला गति है हाथी.
हाथी भारी होता है, मोटा होता है, बड़ा होता है। तो हाथी का कान, उसका सूंड ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट हाथ हम लोग कान का इस्तेमाल करेंगे, राइट हाथ हम लोग सूंड करेंगे, ठीक है। सब मेरे साथ करिए, एक राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, भारी भारी चलना। हाथी जल्दी तो भागेगा नहीं, ये होगा, ठीक है। चलिए फिर से करें, ये 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 ये, ये हुआ गजलीला गति, ठीक है। उसके बाद है तुरंगिनी गति। तुरंगिनी का मतलब है घोड़ा, ठीक है। घोड़ा कैसे जाता है, अब ऊपर हाथ ऐसे रखेंगे, सामने हाथ ऐसे रखेंगे, ठीक है। तो तुरंगिनी गति, एक दो तीन चार। अब उसको जल्दी कैसे करेंगे, एक दो तीन चार। सबको समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग? Yes, अच्छा लग रहा है? Yes, teacher. अच्छा लग रहा है, कुदरे में अच्छा लग रहा है, ठीक है। Yes, चलो, yes. चलो उसके बाद है सीही। सीही गति, सीही गति क्या है, सीही से क्या समझ में आ रहा है? लायन, शेर, वेरी गुड। हाथ ऐसे रहेगा, पंजे जैसा, तो ये 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 डरा डरा के, अपने शिकार को डरा डरा के जाना आगे, ये 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 हुआ, यस। ये है अपना सिंह गति। उसके बाद है भुजंगी गति। भुजंगी भुजंगी गति क्या है? नी 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 सांप, सांप, यस। भुजंगी गति का मतलब है सांप। अब सांप तो रेंगता है, हाथ ये रखेंगे ऊपर। अब सब मेरे साथ करेंगे, ठीक है। ये एक और बार करें, एक और बार करें। चलिए, वन टू थ्री स्टार्ट। राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, फिर उठाया, ठीक है। भुजंगी गति क्लियर एवरीवन? यस टीचर। हाँ, अभी नेक्स्ट, उसके बाद है मंडू की गति। ये सबसे फनीएस्ट है, मंडू की गति इज द फनीएस्ट। मंडू की का मतलब क्या समझ में आता है? मेंढक, फ्रॉग, मेंढक कैसे होगा? अभी मेंढक तो ऐसे होता है, ऐसे सब आइए नीचे। अभी राइट को जंप किया, ऐसे ऐसे उठाया, फिर लेफ्ट को जंप किया, फिर पैर उठाया, फिर राइट को जंप किया, फिर ऐसे पैर उठाया, फिर लेफ्ट को जंप किया,
ऐसे फिर उठाया हुआ एक और बार करे अभी मेरे बिना करिए चलिए 1 2 3 गो राइट को जंप पैर उठाओ फिर लेफ्ट को जंप फिर पैर उठाओ फिर राइट को जंप फिर पैर उठाओ फिर लेफ्ट को जंप फिर पैर उठाओ वेरी गुड हुआ अभी है मांडू की गति खत्म अभी नेक्स्ट है वीर गति मतलब ब्रेवरी एक इंसान जब साहसी साहस जब होता है तो इंसान कैसे चलता है बहुत साहस है इस इंसान में ये राजा चलते ना आप मन में सोचो मैं हूं राजा तो आप कैसे चलोगे ये कोई फूल फेंक रहा है यहां से ये चलोगे ये है वीर गति ठीक है और आखिरी में आता है इंसान मानवी गति मानवी गति एक लड़की कैसे चलेगी इंसान ये होता है आप हाथ यहां भी रख सकते हो क्लीन दिखेगा नॉर्मली भी हाथ रख सकते हो ये चलता है इंसान ठीक है थोड़ा शर्मा के लड़की कैसे चलेगी मॉडल की तरह ऐसे 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 तो नहीं चलेगी ना आजकल नहीं धीरे कैसे चलेगी ऐसे नॉर्मली ये है मानवी गति अभी हम लोग एक साथ विदाउट एनी स्टॉप एक बार सारे गतिज को एक साथ करेंगे ठीक है आप सब मेरे साथ करोगे एक साथ ठीक है नंबर वन हंसी गति चलो 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 हंसी गति सेकंड मयूरी गति थर्ड मृगी गति फोर्थ गजलीला गति फिर तुरंगिनी गति फिर सिंही गति फिर भुजंगिनी गति खत्म उसके बाद मंडू की गति 1 2 1 2 उसके बाद वीर गति उसके बाद मानवी हाँ 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 घोड़े का खत्म हो गया ये तुरंगिनी उसके बाद लास्ट है मानवी गति अब हाथ यहां भी रख सकते हो क्लियर एवरीबॉडी मजा आया यस यस मजा आया चलो वेरी गुड यस ओके तो चल ओके सो एक सेकेंड स्वप्न कल्पा दी कोई है क्लास में हाँ बच्चा दो खाली हाय दिस इज नाथ या somebody from NCP is there yes do we have some more time or we are done with we are done we have crossed one hour okay okay ठीक है we have crossed okay You all want to do something, you all can show. We'll just wind up. We were just asking because we joined kind of a bit late, no, because of the network issues and everything. I think we'll leave it to the kids.
बच्चों आपको इंटरेस्टिंग लगा इतना तक? अच्छा लगा? थैंक यू इनके तरफ से भी. हाँ बोलिए. आप लोगों को बहुत अच्छा डांस सिखा दिया, वरना मुझे अपने देश का ही डांस आता है. बॉलीवुड डांस. बॉलीवुड डांस बहुत अच्छा डांस था. आए चलो, अच्छी बात है, आपको जानना चाहिए इसके बारे में, आपकी देश की संस्कृति. इट्स योर्स सो यू शुड नो अबाउट इट. ओके तो ठीक है, हम लोग थोड़ा सा हम दोनों अपना डू यू वॉन्ट अस टू शो आर लाइव परफॉर्मेंस राइट नाउ, या वी कैन शेयर वन यूट्यूब का, हम लोगों का ग्रुप का एक परफॉर्मेंस है वेर आज के टाइम में वेर डांस इज इवॉल्व सो मच टू गेन लाइक टू कीप इन टच विद द प्रेजेंट मासेस ऑफ द ऑडियंस, कीपिंग देयर इंटरेस्ट इन माइंड. आर इंस्टीट्यूशन सृजन हैज क्रिएटेड अ पीस ऑफ डांस where there are random movements. So हम लोग आपको वो शेयर करना चाहेंगे, अगर आपको स्क्रीन शेयर ऑप्शन है अगर तो इफ पॉसिबल वील शो दैट. सुलेखा जी विल दैट बी ओके? हम लोग एक तो हम लोग वहां पे कॉस्ट्यूम में है, स्क्रीन शेयर हो जाएगा. ओके ठीक है, तो वील डू इट, हम खुद करते हैं. ठीक है तो क्या म्यूजिक लगा देंगे. तो बिफोर डूइंग हम लोग बस आपको बता देते हैं व्हाट आर वी गोइंग टू डू. शॉर्ट चीज है सीता स्वयंवर. आपको रामायण पता है सबको? एवरीबॉडी नोज रामायण? पता है. अच्छा सीता स्वयंवर में क्या होता था, बहुत सारे राजा आए हैं सीता जी को शादी करने के लिए. तो बहुत सारे राजा आते हैं, शिव धनुष उठाने का कोशिश करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते, बहुत भारी होता है. लास्ट को श्री राम आके उठा सकते हैं एंड देन फाइनली वो सीता जी से शादी करते हैं. लेकिन जितने जनों ने भी उनसे पहले आके उठाने का कोशिश किया था, बहुत ईगो और प्राइड के साथ, अहंकार के साथ आके उन्होंने उठाने का कोशिश किया था, जिसके वजह से वो लोग असमर्थ रहे थे. और जब श्री राम आके पूरी भक्ति और समर्पण भाव से उसको उठाते हैं तो शिव धनुष अपने आप ही उनसे उठता है और गलती से उनसे टूट जाता है और सीता जी को वो विवाह करते हैं. तो वही छोटा सा प्रसंग, इट विल जस्ट टेक अस हार्डली 3 to 4 minutes, वी विल शो दैट. ठीक है तो पहले ऐश्वर्या दीदी एक राजा बनेंगी जो आके उठाएगा, बहुत प्राइड होगा. फिर मैं दूसरी राजा बनूंगी जो थोड़ा हैंडीकैप्ड होगा लेकिन उसमें भी बहुत प्राइड होगा. तीसरे में ऐश्वर्या दीदी राम बन जाएंगी और मैं लास्ट को सीता बनूंगी. ठीक है तो दिस इज वी विल शो यू, जस्ट गिव अस 1 minute टू प्ले द व्यूअर्स माय फोन. टीचर एक मिनट, टीचर गाना लेके आ रही है तो फिर आपको उन लोग एक डांस परफॉर्मेंस दिखाएंगे. ओडिसी डांस में कैसा करते हैं वो आप पूरा डांस देखिए, छोटा सा डांस है, वेट कीजिए. Yeah, okay.
कछु विषाद न कछु ठाढ़ी भये सहज सुभाए recording or a YouTube video, that connect would not have been there since you all were talking to them and then you're performing in front of them. Yeah. Difference. Thank you so much. Okay. Thank you. I hope you guys enjoyed and I hope you like. Ji. Thank you. Okay. आप लोग भी कर सकते हैं. सीखेंगे तो आप लोग भी कर सकते हैं. अभी आप बच्चे हैं. तो थोड़े टाइम में आप लोग भी अच्छा से डांस कर सकते हैं. लेकिन दीदी लोग देखो 17-18 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका नतीजा अभी देखने को मिला आप लोग को. तो आप भी प्रैक्टिस करेगा तो आपको भी अच्छा से करने को होगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच सबको धन्यवाद फॉर जॉइनिंग. थैंक यू NCPA फॉर Thank you, Pratiksha and Aishwarya. It was really a wonderful session, a very beautiful one. I would also like to thank Sulekha ma'am and Punita from Angel Express Foundation for helping us reach out to the students.
And a special, special thank you to the students for being so enthusiastic and interacting with artists. Thank you, students. I hope some bachon enjoy kiya. Yes, teacher. Something different for them to look forward. Till now, they have always done Bollywood and all that. So this is totally different. And the, most of them love dancing. So it is very nice. Thank you so much. Thank you so much. Namaste. Bye, everyone. Bye, teacher. Bye.